और हम लेकर आए आज एक विशेष टॉपिक, कोरोना का कहर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा सर। जी हां, निस्तो नाबूद हो गई है। और अगर आपने मेरे एपिसोड्स अंकशास्त्र के, बृहस्पति के, गोचर के देखे होंगे तो वहां पर मैंने कहा था 2020 का एक जो साल है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। और ये वीडियोज आप एस्ट्रो तक पर देख सकते हैं जहां पे मैंने मूलांक के बारे में कहा था कि 2020 जो है वो राहु से संबंधित साल है और इसमें राजा का रोल जो प्ले करता है वो चंद्रमा करता है। इस बात को आप बिल्कुल कोरिलेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, वो वीडियोस अभी भी उपलब्ध हैं। मैंने कहा था इस बार छदम चाल चलेगी, राजा वजीर को मारने की कोशिश करेगा और वजीर राजा को पटकनी दे देगा। वैसा ही हुआ है और आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। लेकिन चिंतन की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंतन जरूर करें, चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ी सी जरूर जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्वव्यापी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कुछ शनि पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के लिए संपूर्णता से दो जो है ग्रह बहुत खास माने जाते हैं, एक संचार का प्लैनेट जिसे हम राहु कहते हैं, दूसरा गति का प्लैनेट, पहियों का प्लैनेट। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि। अब शनि तो अपनी राशि में आ गया है फिर भी इतना बुरा हो रहा है। जी हां, इसके लिए कुछ मियादे हैं, आइए हम इस बारे में थोड़ी सी जांच करेंगे और पड़ताल करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है ये कब पटरी पे आएगी। कोरोना का कहर तो फिर भी खत्म हो जाएगा, गरीब की पेट का क्या होगा, लोग कहीं मोहताज तो नहीं हो जाएंगे, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। बताना चाहूंगा आपको, देखिए पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मूलतः बृहस्पति के भ्रचक्र पर डिपेंड करती है। बृहस्पति एकमात्र भाग्य का स्वामी नहीं है, बृहस्पति आकाशीय मार्ग का भी स्वामी है। बृहस्पति अपने 12 वर्ष के काल में हमेशा कुछ चीजें लाता है और बृहस्पति का एक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, 12 वर्षीय चक्र होता है। बृहस्पति लगभग लगभग अपने 8 साल कंप्लीट कर चुका है और बृहस्पति जैसे ही आया आपने देखा होगा दुनिया में बहुत उथल पुथल हुई। मैं आपको याद दिलाता हूं, अन्ना आंदोलन याद दिलाता हूं, कांग्रेस का पतन याद दिलाता हूं, मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था जो फेक पे चल रही थी उसका डूबना याद दिलाता हूं, रेट्स के करेक्शन याद दिलाता हूं, मैं आपको जमीनों की जो करेक्शन रेट्स है वो याद दिलाता हूं, मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज का डूबना याद दिलाता हूं, मैं आपको सत्ता परिवर्तन याद दिलाता हूं, मैं आपको भगवा राजनीति याद दिलाता हूं। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी और बहुत बड़ी लड़ाइयां भी हुई, बहुत सारी चीजें भी हुई पिछले लगभग 8 सालों के अंदर। बृहस्पति का एक भ्रचक्र अपने आप में अनूठा होता है, वो बहुत सारी चीजें लेके आता है। बृहस्पति जब कभी भी धनु राशि या मीन राशि में गोचर करते हैं या मिथुन राशि और कन्या राशि में द्विस्वभाव लग्न में गोचर करते हैं तो अत्याधिक बढ़त और अत्याधिक घटत होती है। और बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अब वो चर लग्न में, चर राशि में आने जा रहे हैं, नीच के होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बृहस्पति जब कभी भी 10वीं राशि में आते हैं यानी कि नीच राशि में आते हैं और बृहस्पति के लिए 10वां भाव भी नीच कहा जाता है और एक रूल है मैथमेटिक्स का, नेगेटिव किल्स नेगेटिव लीड्स पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई नीच ग्रह नीच राशि में नीच स्थान पर आ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, इसी को ही हम कहते हैं नीच भंग। तो बृहस्पति अपनी नीचता भंग कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन यह है कि सुधार अर्थव्यवस्था में कब आएगा। देखिए सुधार, जैसे मैंने कहा राहु और केतु ये संचार माध्यम के भी प्लैनेट हैं, जितनी भी वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, वर्ल्ड वाइड देखिए जो फुटकर ट्रांजेक्शन होती है, जैसे आप बाजार में दाल लेने गए आपको दाल मिल गई तो वो वाणिज्यकरण है,
वो बुध का रोल प्ले करती है। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं, जब बिजनेस ट्रीटी होती है वर्ल्ड वाइड, तो ये सारी चीजें राहु और केतु पर डिपेंडेंसी होती है। राहु दलाली का प्लैनेट है और केतु चतुर्वर्गीय कर्मचारी यानी कि दासता का प्लैनेट है। जितनी भी सर्विसेज हैं, ग्लोबलाइजेशन सर्विसेज, वो सारी के सारी केतु से संबंधित होती हैं। जब कभी भी राहु आद्रा नक्षत्र में और केतु मूल नक्षत्र में आते हैं, यानी कि राहु जो है मिथुन राशि में आते हैं और केतु धनु राशि में आते हैं जो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, वहां पर ये दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब सीधा क्वेश्चन है, बिना घुमा फिराए, कब सुधार होगा? क्योंकि शनि तो अच्छा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखिए, गोचर के बारे में हम जरा बात करेंगे, कब से प्रभाव ठीक ठाक पड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए, राहु का गोचर जो है वो लगभग लगभग 19 सितंबर 2020 शनिवार के दिन शाम को 8:06 पर स्पष्ट राहु का गोचर हो रहा है, और मूलतः राहु का वृषभ में जो गोचर हो रहा है, स्पष्ट नहीं, छाया बिंदु से, वो 23 सितंबर को हो रहा है। कुल मिलाकर हम लगभग लगभग सितंबर का वो महीना मानेंगे जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करेगा। इसी के साथ में केतु भी अपनी राशि परिवर्तन उसी दिन करेगा। लेकिन उससे पहले क्या सुधार संभव है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा आपसे, जब कभी भी राहु आर्द्रा नक्षत्र में होता है वो दुष्परिणाम देता है। लेकिन क्योंकि वो गीला है, कोई भी चीज होती है ना, जब वो गीली होती है तो बहुत अच्छी तरह काम नहीं करती है। जब उसमें फायर मिलती है चीजें, तब अच्छी काम करती हैं। तो खुशखबरी ये कि 20 मई के बाद, लगभग 20 मई के बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। वो कब होने वाला है? 20 मई को। और अगर स्पष्ट राहु का हम देखें तो वो 22 अप्रैल को हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 20 मई के बाद में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लग जाएगी। तब राहु जो है वो आद्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, तब से स्पीड पकड़ने शुरू हो जाएगी। केतु जो है वो मूलतः वृश्चिक में गोचर करेंगे, अभी धनु में कर रहे हैं, उसके बाद में वृश्चिक में करेंगे। केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो मूल नक्षत्र में से हटके बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे 23 सितंबर 2020 के दिन। तो हम स्पष्ट केतु के बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्पष्ट केतु का जो गोचर है लगभग 19 सितंबर, यानी कि हम सितंबर का महीना मानते हैं, या 19 या 23, तब से प्रभाव शुभ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको विशिष्टता से बता दूं कि निश्चित रूप से जो राहु का और केतु का मृगशिरा में जो गोचर है वो 20 मई 2020 के दिन होना शुरू हो जाएगा, तब से प्रभाव शुभता की तरफ आ जाएंगे। और जो वैश्विक मंदी का दौर है, जो हालात का दौर है, उसमें धीरे धीरे करके सुधार आने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये मान लीजिए 22 जून का वो समय है जब ऐसा समय आएगा जब आर्थिक व्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड को लेकर। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।